हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना खुद का प्ले स्टोर जैसा एक एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। प्ले स्टोर से आप क्या करते हैं, वहां आप ऐप्स अपलोड करते हैं और वहां से आप ऐप्स डाउनलोड करते हैं। बिल्कुल आप नहीं अपलोड करते हैं, मतलब कंपनी वाली अपलोड करती है और आप उसको डाउनलोड करते हैं, या फिर कोई भी इंडिविजुअल भी अपलोड कर देता है, ऐसा कुछ नहीं, आप भी कर सकते हैं। उसी तरह मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आप बिल्कुल प्ले स्टोर की तरह एप्लीकेशन खुद के लिए अपलोड कर सकते हैं और वो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरे भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो दोस्तों, ये है वो एप्लीकेशन जिसका नाम है एप्टॉइड और इसी के हेल्प से आप ये सब कुछ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चलिए इसको हम लोग अभी ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे माई अकाउंट पे क्लिक करके आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक गूगल से। तो मैं अभी फेसबुक से कर रहा हूँ तो ये बस तुरंत कनेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, लॉगिन हो जाएगा फेसबुक के थ्रू। थोड़ा वेटिंग करा रहा है। चलिए कनेक्ट हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरा प्रोफाइल आ गया ऊपर में और यहाँ से हम इसको शेयर भी कर सकते हैं जेंडर की तरह, यानी आप जो ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ से हम लोग पुराने वर्जन में भी जा सकते हैं किसी भी ऐप्स के, जो इसकी इस एप्लीकेशन की बहुत अच्छी बात है। डाउनग्रेड कर सकते हैं अपना कोई भी ऐप, शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपका अपना टाइमलाइन मिलता है, आपका अपना स्टोर का जो ऑप्शन है वहाँ पे आप दूसरे का स्टोर और अपने स्टोर में जा सकते हैं। ये है पूरा सेटिंग का मेन्यू और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह के सेटिंग दिए गए हैं। आप यहाँ से देख करके अपने सेटिंग्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखिए, यहाँ ढेर सारे आपको एप्लीकेशंस मिलेंगे जो शायद आपको प्ले स्टोर पर ना मिलें क्योंकि ये प्ले स्टोर से सस्ता है। ध्यान से देखिए, ये टाइमलाइन है जो नए नए मतलब पॉपुलर यहाँ के एप्टॉइड के स्टोर्स वाले हैं, उन्होंने जो एप्लीकेशन अपलोड किया है उनके एप्लीकेशंस की आपको टाइमलाइन में दिखेगी। और यहाँ पे मेरा अपना खुद का प्ले स्टोर यूसुफ चैक्स जो मैंने बनाया है और मैं आपको अभी आगे बताऊँगा कि वो आप कैसे बना सकते हैं। और ये देखिए, ये भी अलग स्टोर्स हैं, मैं इन्हें फॉलो कर सकता हूँ, लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी तो मेरे 0 फॉलोअर हैं और मैं भी 0 लोगों को फॉलो कर रहा हूं। सो दोस्तों देखिए, ये है मेरा स्टोर, जैसा कि आप देख रहे हैं एसएम यूसुफ हसन मेरा नाम लिखा हुआ है, एप्स 0, फॉलोइंग 0, फॉलोअर 0। तो आप जब इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो जरूर से जरूर मुझे फॉलो कर लीजिएगा ताकि मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ जाएं। और अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें आप एप्लीकेशन कैसे अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको एप्टॉइड अपलोडर नाम का एक ऐप चाहिए होगा जो आपको डाउनलोड करना होगा और उसको जब आप ओपन करेंगे तो ठीक उसी तरह जैसे कि आपने एप्टॉइड में लॉगिन किया था, इसमें भी आपको लॉगिन करना होगा। देखिए, मुझे कुछ नहीं करना है, बस लॉगिन विद फेसबुक पे मैं क्लिक करूंगा और ये ऑटोमेटिकली लॉगिन ले लेगा बिना भी किसी दिक्कत के। तो ये खुल रहा है, लॉगिन देखिए इसने ले लिया है और बस बहुत ही जल्द ये अभी खुल जाएगा और ये खुल गया। स्टोर का नाम आप जो चाहें रख सकते हैं, मैंने अपने स्टोर का नाम रखा है यूसुफ जैक्स और पब्लिक या फिर प्राइवेट भी आप कर सकते हैं अपने स्टोर्स को, मैंने पब्लिक करके आपके लिए छोड़ दिया है। और अब बहुत सारे एप्लीकेशंस मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। ये मेरा स्टोर बन गया और ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं ये मेरे फ़ोन में इंस्टॉल हैं और मैं इन्हें अपलोड कर सकता हूँ। मैं अपलोड कर रहा हूँ जेट ज्योतिष गुडविन नाम के एक एप्लीकेशन को जो कि मेरे फ्रेंड ने बनाई है और ये देखिए आप यहाँ पे धीरे से धीरे अपलोड हो रही है। इस तरह आप इजीली इसको कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।